हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी किचन में और सुबह का जितना भी मेरा मॉर्निंग वाला काम होता है तो सारा हो चुका था, जैसे कि झाड़ू पोछा जो भी होता है। मतलब एक औरत के लिए सुबह सुबह आप लोग समझ सकते कितना काम होता है। और मुझे नहीं, हम जितनी भी औरतें हैं ना, तो सबको सुबह सुबह का बस यही काम होता है। बच्चों का टिफिन है, झाड़ू पोछा, बर्तन है, मतलब आँख खुलते ना तो यही सब काम शुरू हो जाते। तो यहाँ पर बस मैं भी उसी काम में लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई थी किचन में और एक तरफ रख दी हूँ इंडक्शन पे चाय और गैस पे बना रही हूँ सूजी का हलवा कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपना बर्तन भी लगा दी और तीन तीन काम एक साथ में इस तरह से होता है। एकदम सुबह के समय अगर हम लोग मशीन के जैसे काम ना करें ना, तो फिर सुबह का काम जल्दी ना हो। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं चाय बन गई थी तो कान्हा जी के लिए चाय और अपने लिए और शिवांश के लिए चाय निकाल दी थी। और साथ ही हलवा भी बन गया था। मैं कई कटोरी में, कान्हा जी की कटोरी में निकाल के रख दूँ ताकि हलवा खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और दोस्तों, ये ब्लॉग ना परसों की है और कल वाले वीडियो में कमेंट आए थे कि दीदी कान्हा जी को चाय नहीं पिलाना चाहिए, तो ये कल का ब्लॉग था सिस्टर। लेकिन हाँ, अब ना मैं कान्हा जी को चाय नहीं दिया करूँगी। मैं कान्हा जी को, मुझे देखिए उतना पता नहीं था इस विषय में, लेकिन चलिए आप लोग बता रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे ये लगता था ना कि मैं अपने किचन में, मतलब रसोई में, जैसे सब कहते हैं ना कि पहला जो भी बने, तो मुझे लगता था कि चलो चाय है और ठंड का मौसम भी था, तो मैं सोची कान्हा जी को भी ठंड लगती होगी, तो इसलिए मैं भी उन्हें चाय दे देती, जो कि एकदम साफ़ चाय बनाती थी। लेकिन अब आप सब कह दिए तो आप आज में जो दिख रहा है, उसके बाद आप लोग को अगले ब्लॉक में किसी भी, मैं कान्हा जी को चाय नहीं दिया करूँगी। तो उसके बाद फिर देखिए, कान्हा जी को भोग वोग लगा दी थी और मशीन में कपड़ा भी लगा दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ मंदिर में। और ना ये, मतलब जो है, तो इसमें ना मैं पैसा रखती हूँ भगवान जी के लिए। मतलब मेरी आदत है ना, मैं डेली भगवान जी के लिए 10-5 या जो भी मेरे से होता है मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये सब पैसों से क्या होता है ना, मैं भगवान जी का पूजा का सामान मंगा देती हूँ। तो बस वही मैं देख के कितना हुआ है, तो भगवान जी का पूजा का सामान भी नहीं है। मैं सोची सब निकाल के पैसा रखे रहूँगी, इन्हें दे दूँगी, तो पूजा का सामान सब लेते आएंगे। ऐसे रहता ना तो अखरता भी नहीं है और महीना में करीब 400-500 इकट्ठा भी हो जाता। देखिए इतना सारा हो गया था, तो मैं कही चलो इसे गिन लेती हूँ, क्योंकि ना मैं ऐसे ही पूरा करती हूँ और एक एक रुपया जोड़ के इसी तरह से मैं अपना करती हूँ कोई ना कोई चीज़। क्योंकि देखिए, इतना हम लोग के पास पैसा रहता नहीं कि हम सब चीज़ कोई इकट्ठा ले सके, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। भगवान जी का सामान भी ज़्यादा तो नहीं, 400-500 में अच्छे से आ जाता है भगवान जी का सामान, तो उससे पूजा वूजा भी हर, मतलब महीने काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो बस इसी तरह से मैं उन्हें हर, मेरी आदत है ना कि डेली उन्हें मैं 10-5 निकाल के रखती हूँ। कभी ज़्यादा भी कर दे हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, तो इस तरह से उन्हें मैं भगवान जी के लिए निकाल के रख देती हूँ। तो बस वही मैं गिनी थी, तो करीब 450-450 रुपया के करीब था। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पे कपड़ा भी धुल गया था और कपड़ा मैं इसमें से निकाल दे रही हूँ मशीन में से। और दोस्तों ना, आज बहुत तकलीफ़ हो रही है, आज इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना कि आज का जो मेरा ब्लॉग है, आज पहली बार मतलब मेरा ब्लॉग पे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम सब आगे बढ़ेंगे? तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर फिर देखिए, हाँ, निधि सिस्टर को बहुत मन था कि ऊपर का छत का कमरा देखने के लिए, तो आज मैं, काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पे झाड़ू लगाए, करीब 1-1.5 महीना हो गया, तो कहीं चलो ऊपर वाले कमरा में चलती हूँ और वहाँ की भी झाड़ू लगा देती। तो बस यहाँ पे आते देखिए, सबसे पहले दर्शन हुए छिपकली के। यहाँ पे ना इसी तरह से पूरा ऊपर छिपकली चपकी रहती है। और ये देखिए, जो गिलहरी होती है ना, तो जो इस पर मैं सब बर्तन अच्छे से ढक के रखी थी पूरा कपड़ा, तो सारा कपड़ा वो लोग उठा ले गई हैं काट काट के, पूरा बर्तन खुला है। अब ये मम्मी जब आएंगी या तो कोई रहेगा ना, तभी मैं यहाँ का कर सकूँ, क्योंकि देखिए मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिपकली होती हैं। तो बस देखिए, डरते डरते और धीरे धीरे मैं अपना झाड़ू यहाँ का लगा ले रही हूँ। और आज मैं सोच रही थी ना छत पे झाड़ू लगा, क्योंकि छत ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है छत पे ना, क्योंकि 2-4 दिन से इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा छत पे, जो बगल में पूरा हमारे नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, तो बहुत ज़्यादा पत्ती गिरी हुई है छत पे। तो बस मैं सोची झाड़ू लगा दूँ, लेकिन ना मौसम, कहावत है ना कि कुदरत का करिश्मा, तो अब इतनी देर से एकदम शांत मौसम था, लेकिन जब मैं झाड़ू लगाने आई छत में, इतनी तेज़ हवा चलने लगी। तो बस वही मैं सोच, क्योंकि बिल्कुल झाड़ू लगी नहीं रही थी, जितना भी मैं झाड़ू लगाई थी ना, पूरा पीछे की तरफ कचरा उड़ के चला आ रहा था।
तो बस वही मैं देख रही थी, मैं कहीं नहीं हुआ गई वहाँ तो सही था, लेकिन जब यहाँ पे आगे की तरफ आए ना तो बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लग रही थी। तो बस वही मैं खड़ी होकर देख रही थी कि कहीं लगेगी कि नहीं, झाड़ू लगेगी कि नहीं। तो फिर मैं नहीं लगाई झाड़ू। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, अब मतलब बहुत बेकार हवा चल रही थी। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं सारा काम कही चलो झाड़ू तो नहीं लगेगी, अब देखूंगी ना मैं यहाँ पे सुबह ही आऊँगी झाड़ू लगाने। मैं सोची कि चलो इसे झाड़ू लगा दूँगी तो सही रहेगा, मौसम भी थोड़ा सा सही था, मतलब बहुत तेज़ धूप नहीं थी। तो मैं कही चलो अच्छा नहीं, जब झाड़ू लगा सकूँगी तो मैं कपड़े ही उतार लूँ। तो फिर आधा कपड़ा मैं दे दी थी प्रिंसी को और बाकी का कपड़ा मैं लेती चल रही थी। तो बस इसी तरह से एक औरत का अपना दिन भर का काम होता है। कभी ना ये होता है ना कि सच में कोई कह दे कि आज काम मत करो, तो सच में ना बिल्कुल भी नहीं मन करता है। कभी कभी एकदम जैसे ये होता है ना कि उठो ही मत कोई भी काम करने। तो बस यहाँ पे देखिए नीचे आंगन में भी कितना कचरा गिरा हुआ था, और बहुत से मतलब मेरे दोस्त हैं जो प्यारे प्यारे तो कमेंट करते कि दीदी आंगन पे कुछ कपड़ा डाल दिया करो या तो तिरपाल डाल दिया करो जाली पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ना जाली पे डालने का मतलब है ना कि हम सबको आदत है ना एकदम बंद में रहने की। तो ना एक दो बार पहले मैं शुरू शुरू में इस नए घर में आई थी ना तो मैं डालती थी, लेकिन ना बहुत जैसे घुटन टाइप की हम लोग को होती थी। हाँ ये कहो कि थोड़ा सा खुला रखो तो उतना बड़ा तिरपाल है मेरे पास, लेकिन ना मम्मी नहीं ढकने देती हैं। मान लो अभी तो मैं हूँ ना, मम्मी नहीं ढकने देती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, लेकिन हाँ जब बहुत अब गर्मी आएगी ना तो आप लोग करो, लेकिन मैं डालूँगी ज़रूर। क्योंकि ना दोस्तों इतनी ज़्यादा धूल अब आ रही है गर्मी ना, तब देखना आप लोग कितनी ज़्यादा धूल आती है। तो यहाँ पे देखिए कल ले आए थे मेथी ले आए थे और ढेर सारी धनिया पत्ती और कटहल ले आए थे। इस सीजन में जो कटहल एकदम छोटा छोटा होता है, एकदम नया वाला कटहल जो बतिया जिसे कहते हैं हम लोग, तो बस वो कटहल ले आए थे। तो मैं कही चलो आज कटहल की सब्जी बना देती हूँ, नहीं तो कटहल ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मेथी धनिया पत्ती सब धुल के रख दी थी, और कटहल को भी देखिए मैं बस एक सीटी लगाई थी तो यहाँ कटहल उबल गया था। और बच्चों को लगी थी भूख तो साथ ही साथ मैं उन लोग को थोड़ा सा लाई भूज के दे दे रही थी। और सच में ना दोस्तों आज का व्यूज देख के ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो बस वही, और देखिए एक हाउस वाइफ के लिए या फिर कोई भी औरत हो अगर जो इतना मेहनत करती है घर का काम है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ना यूट्यूब पे काम करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर जिसको आ गया तो उसके लिए तो बहुत सरल है, और जिसको नहीं आता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है यूट्यूब पे काम करना। और बाकी का पूरा जर्नी चलिए मैं आप लोग से बताऊँगी, लेकिन आज के ब्लॉग में नहीं, कल के ब्लॉग में आप लोग को पक्का। मैं क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उनका नाम देखिए मुझे ध्यान से उतर गया है, तो उनका भी वो कई बार कमेंट कर चुकी हैं कि दीदी आप अपने पहले ब्लॉग के बारे में बताइए, पहले ब्लॉग के बारे में बताइए। लेकिन ना मतलब जैसे ना मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे जितना याद, चलिए कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को अपने पहले ब्लॉग के बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर तो देखिए आज पहले मैं बना रही कटहर की सब्ज़ी, तो चलिए उसकी भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये मौसम की पहली सब्ज़ी है इस मौसम में और ये भी अच्छी आती है। तो इस तरह से हम औरतों का जीवन रहता है कि एक मतलब एक यूट्यूब ना सच में मुझे तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि मैं बहुत एक मिनट का आराम नहीं होता है दोस्तों कि एक मिनट का आराम रहता हो, कि समझ लीजिए दिन भर काम, फिर यूट्यूब एडिट करना, फिर इसमें वॉइस रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो बनाना, ऊपर से सबकी बात सुनना, मतलब बहुत से चीज़ हो जाते हैं। हाँ ये मैं जानती हूँ कि यूट्यूब पर काम करना कोई मामूली बात नहीं है। तो बस इसी तरह से फिर चलिए, और तो जो भी लोग नए रहते हैं चैनल पे तो उनसे सबसे बस हाथ जोड़ के यही विनती कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अभी सब्ज़ी में जैसे कटहल वटहर तो फ्राई कर ली थी हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, बस हल्का सा गुलाबी हो जाएगा ना, तो इस तरह से कटहल फ्राई करूँगी। और एक प्याज और काट ले रही हूँ मैं तड़का के लिए। तो यहाँ पे फिर देखिए कटहर को भी अच्छे से फ्राई करने के बाद, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला का घोल बना दी, बाकी इसकी पूरी रेसिपी अभी मैं बता रही हूँ आप सबसे। और आप सब ज़रूर कमेंट में बताना कि कटहर की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है, क्योंकि मेरे घर में कटहर की सब्ज़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मम्मी की तो खास है कटहर की सब्ज़ी, उनको कटहर की सब्ज़ी हुआ, कढ़ी हुआ, ये सब मम्मी का फेवरेट है। अगर मम्मी रहती ना तो इतने समय तक पक्का कहीं होती कि कटहर आ गया होगा बाज़ार से ले आओ। तो बस वैसे तो मेरे मायके में बहुत कटहर है, अब देखिए अब आना जाना तो हो नहीं पाता, नहीं तो वहाँ से तो कटहर आते हो काफ़ी दूर भी पड़ जाता है ना। और दोस्तों एक कटहर की सब्जी ना मौसम में जो पहला एकदम इसे कटहर ही कहते, क्योंकि काफ़ी छोटा होता और एकदम एक मुलायम होता है, और इसकी सब्जी ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छी आती क्योंकि एकदम एक पतिया ही होता है। तो बस कल लेते आए थे और कल मेथी वेथी सब ले आए, तो ये पहले ख़राब हो जाएगा,
आज रेसिपी बना एकदम देसी स्टाइल से बना रही हूँ और इसकी रेसिपी आपको जरूर देखना क्योंकि कटहल की सब्जी वास्तव में बहुत अच्छी बनेगी। और इस मसाला में मैं प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च जीरा पीस ली हूँ और बाकी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एक मीट में थोड़ा गरम मसाला, एक आता है पैकेट का असो अर्ज का एवरेस्ट का, एक चम्मच वो ले ली, बाकी थोड़ा सा जो घर का बना हुआ गरम मसाला होता है थोड़ा सा वो ले ली हूँ। और इसका भी देखिए मैं पेस्ट बना के रख ली हूँ। और कटहल को ना बस एक सीटी लगाई थी, ज्यादा नहीं, बस एक सीटी इसमें लगाई थी और उसके बाद ना इसे हल्का सा देखिए इस तरह से बस फ्राई कर ली थी, इसका कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद ना एक प्याज का तड़का लगा दी, उसी में उसका हींग का तड़का लगा दी क्योंकि हींग कटहल में बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये ना नुकसान ना करे, बस इसलिए हींग उंग डालता है और हींग डालने से इसका फ्लेवर भी काफी अच्छा रहता है। तो देखिए प्याज अच्छे से हो गया है, अब इस पेस्ट को मैं डाल दूंगी। और ना ये कटहल सब्जी ना बहुत अच्छी, अब मेरे हाथों का कटहल बहुत है मायके में तो वहां से कटहल आते रहता है लेकिन अभी तो ये बाजार से ले आए हैं। और कभी कभी डर लगता है कि ये तीखा वाला ना कि तीताऊ होता है ना तो वो भी ना रहे, इसलिए मैं हल्का सा टेस्ट कर ली थी। तो दोस्तों कटहल की सब्जी कई लोग कई प्रकार से बनाते, सब अपने अपने तरीके से बनाते, तो यहाँ मैं भी अपने देसी तरीके से बना रही जैसे मैं देखते हुए आई हूँ और बस उसी तरह से मैं भी कटहल की सब्जी बना के सोची कि चलो आप लोग को साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और कटहल की सब्जी तो जहाँ तक है मुझे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बस यहाँ पर देखिए, और एक ना देखिए उबाल के भी बनता है और एक बिन उबाले भी बनता है। और मैं ना कई बार देखी हूँ कि बहुत लोग टमाटर डालते हैं या ये सब, खैर हमारे यहाँ तो टमाटर वमाटर नहीं डालते हैं। हाँ तो बस इस तरह से मतलब जैसे मैं बना रही इसी तरह से बनती। तो यहाँ पे देखिए मसाला खूब अच्छे से हो गया था, तो मैं कटहल डाल दी थी इसमें और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। और आप लोगों को मैं कई बार बताई हूँ कि मेरे यहाँ सब्जी थोड़ी जूस वाली ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बस यहाँ पे देखिए पानी डाल के और फिर इसे बंद कर दी। अब इसे मैं रख दे रही हूँ इंडक्शन पे और इस पर खूब अच्छे से इसका पानी पक जाएगा। और तब तक यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ आटा, और चावल तो मेरा पहले से ही बन गया है तो आटा बस लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कटहल की सब्जी मेरी काफ़ी अच्छे से पक गई थी और पानी भी आप लोग खूब अच्छे से देखते होंगे कि एकदम पानी कम हो गया था। थोड़ा सा बस काट ले रही थी धनिया की पत्ती और इसी में मैं सब्जी पलट लूँगी। आप लोग भी इस तरह से जैसे दाल या सब्जी कोई भी पलटोगे ना वास्तव में दोस्तों बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है धनिया पत्ती का। तो उसके बाद फिर रह गया था ये जो सब्जी मैं धुल के रखी थी, तो इसका पानी खूब अच्छे से सूख गया था। मैं कही चलो इसको झोला में करके मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। और उसके बाद दोस्तों ना अब आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि मुझे सिवांस कब से मोबाइल मेरे से मांग रहा है, उसको कुछ टॉपिक पे मतलब पढ़ाई करनी है और क्लास भी है उसका शायद एक मेरे ख्याल से 8 बजे से। तो मुझे लगा था कि आज वो मोबाइल नहीं लेगा इसलिए मैं कटहल की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही थी, लेकिन चलिए सब्जी की रेसिपी तो आप लोग के साथ शेयर करी, बस आप लोग को खिला नहीं सकी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो बस यहाँ पे चलूँगी मैं, अभी उसको दूंगी मोबाइल और ये सब भी रखूँगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।